श्रावण की सुहानी फुहारों के बीच मन धर्म के प्रति सहज ही आकर्षित होता है। इस पवित्र माह में नगर में नर्मदेश्वर महादेव समिति बावड़ी मोहल्ला के तत्वावधान में लगातार 16वें वर्ष भी विशाल शिव डोला के साथ विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ। नगर के करीब 4 घंटे के लिए नगर थमसा गया। मार्ग पर हजारों की तादाद में लोग अद्भुत आयोजनों भजनों के साथ दर्शन लाभ ले रहे थे। मार्ग से लेकर गली कूचों में भी भारी भीड़ दिखी। मंदिर को आकर्षक रंगीन विद्युत साज सज्जा और फूलों से सजाया गया। शिव डोला दिव्य दर्शन के लिए हजारों लोगों के साथ दोपहर 2 बजे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर शिव डोला यात्रा में शामिल हुए। लाव लश्कर के साथ भगवान भोलेनाथ विशाल शिव सवारी के साथ नगर के लोगों को दर्शन देने पहुंचे। कलाकारों ने कला का प्रदर्शन किया। इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक शुभम राणा और गौरी अग्रवाल ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां दी। एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जिस पर भक्त जमकर नाचे। इसके अलावा यात्रा के मुख्य आकर्षण दिल्ली की जानी कश्यप आर्ट ग्रुप और सोनी काली आर्ट ग्रुप में भी अनुपम प्रस्तुति दी। कलाकारों ने भगवान का रूप धारण कर अनेक सुंदर भजनों की प्रस्तुतियाँ दी और नृत्य किया। इस विशाल यात्रा में शिव अघोरी ग्रुप हरियाणा हिसार उत्कृष्ट प्रदर्शन ने किया। राजस्थानी लोक नृत्य राजस्थान में अपनी राजस्थानी कलाओं में से लोगों का मन मोह लिया। महतपुर के ढोल अपने पूरे जोश के साथ अपना प्रदर्शन दिखाने में सफल रहे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है यहाँ पर। कई लोगों का कार्यक्रम होता है यहाँ पर, बाहर से टीम वगैरह आती है और पब्लिक भी आसपास के पूरे गाँव से पूरा समर्थन करती है। विगत 16 वर्षों से नर्मदेश्वर महादेव डोला निकल रहा है मंदिर से और भक्त काफ़ी मात्रा में धामनोद की ओर मुंह करके सभी जन आते हैं। डोले में भव्य आयोजन होता है। इसमें हर दुकान के सामने हर स्टॉल लगाया जाता है, जैसे भोजन के लिए कोई सुबह कावड़ यात्रा भी निकली थी। हाँ, सुबह नर्मदा जी खलदार से नर्मदेश्वर महादेव के लिए जल भर के लाया जाता है और अभी से घुमा जाता है यहाँ पर भोलेनाथ का और वहाँ से डोला प्रस्थान होता है और आकर हमारे महेश्वर महादेव तक आता है और यहाँ पर त्रंबा की चाय सभी लोग पीते हैं और विगत 3 वर्षों से हम गुड़ की चाय पिला रहे हैं भक्तों को। आपका नाम? महेश पाटीदार, महाकाली परिवार। धामनोद से गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।